पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता श्यामलाल शर्मा ने मिंडर का दौरा किया। आज पूंछ जिले की मिंडर में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों की बैठक हुई, जिसमें राजनीतिक व गैर राजनीतिक वर्ग के बुद्धिजीवियों ने अपने सुझाव दिए। इस अवसर पर राजौरी पूंछ घोषणा पत्र समिति के सदस्य इकबाल मलिक भी वहां पर मौजूद है। अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। मैनिफेस्टो में वही चीज रखी जाती है जो बनने के बाद गवर्नमेंट होती है, पार्टी अपॉइंटेड होती है कि गवर्नमेंट बनने के बाद वो चीजें, आपने बड़ी चीजें बताई है, बहुत और श्यामलाल जी ने आपसे वादा किया है कि ये तीन चार चीजें जो आपने बाद में लगाई है इस पर वो पूरा मिनिस्टर बनने के बाद तो है वो सारे काम हो गए। हमारी पार्टी ने ये फैसला किया कि हम हर साल जब भी इलेक्शन आती है, पाँच साल के बाद हमारा एक चुनाव मैनिफेस्टो बनता है जिसको चुनावी मंशूर कहा जाता है, और हम उसको संकल्प पत्र कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि उस पर अक्षरशः पालन किया जाए, जो लोगों के साथ चुनाव में वादे किए हैं वो पूरे किए जाएं। तो इस बार पार्टी हाईकमांड ने ये फैसला लिया कि हम पहले लोगों के दरबार में जाएंगे। उसी सिलसिले में आज मैं कल से हम लोग निकले हैं सुंदरबनी, निशहरा, रजौरी, कालाकोट, अब जाके पुंछ में हमने रुकना है, फिर कल पुंछ में हैं, फिर सुनकोट में होंगे, मंडी में होंगे। तो ये उस सिलसिले में, और यहाँ बहुत सी अच्छी सजेशंस और इनकी डिमांड्स क्या हैं, वन नीड बेसिस पे होना चाहिए कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट इनकी क्या है और बड़े मसले क्या हैं। और बड़े मसले जो हैं, इन लोगों ने चार पांच मसले जो हैं वो जुनानी मसली, सबसे बड़ी बात मुझे खुशी ये हुई है कि यहाँ के लोगों ने जुनानी मसली चार पांच मसलों पे को हाईलाइट किया है, जिसमें परनाई प्रोजेक्ट भी है, यहाँ के हॉस्पिटल की अपग्रेड करने की बात भी है, जो मुगल रोड का टनल है वो भी है, मंजा कोट वाला और ये कालाबन वाला जो है मेंढर वाला, इस टनल की भी इन्होंने बात की है, यहाँ पे जो रिंग रोड है उसकी बात भी की है, बस स्टैंड को बनाया जाए मल्टी स्टोरी पार्किंग जिस तरह से जम्मू में बना है, क्योंकि यहाँ मुझे पता है ज़मीन की कमी है तो यहाँ के लोगों को तकलीफ है, रेलवे की इन्होंने बात कही है, टूरिज्म पे हम ये वर्जन पड़ी हुआ है हमारा दोनों डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट पुंछ और डिस्ट्रिक्ट रजौरी, और दुनिया भर के हमारे पास रिलीजियस टूरिज्म, पिलग्रिम टूरिस्ट जिसको बोलते हैं, उनके लिए जगह है, और दूसरे टूरिस्ट भी बॉर्डर पे भी लोग आ सकते हैं, और अब देखो आप कितना खूबसूरत ये इलाका है। तो रह गए हैं हम लोग पीछे, उसका कारण ये रहा कि कश्मीर वालों ने हम पे हुकूमत की और हम लोगों को डिवाइड करके रखा, हम सिर्फ MLA बनने के लिए अपने लोगों के जो जज्बात और उनके हक थे उनका सौदा कर लेते थे। तो अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है, एक तो जम्मू रीजन को पॉलिटिकली इम्पावर करना है, एक साथी ने यहाँ बात की है, मैं उसमें यही कहूँगा कि जम्मू रीजन को हमें पॉलिटिकली इम्पावर करना है कि हम उनके पीछे पीछे नहीं जाएं, और जो हमारा हक हक बनता है एरिया के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से, एरिया हमारा कश्मीर से दो गुना ज़्यादा है, फंड्स उनको ज़्यादा जाते हैं, डिफ़िकल्टी पीने के पानी की, कनेक्टिविटी की, बिजली की, स्कूल, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ तो मुझे लगता है उसमें आपका मैनिफेस्टो का प्रोग्राम था, तो क्या मैनिफेस्टो है बीजेपी पार्टी का? देखिए मैनिफेस्टो ये तो पार्टी का देश था, और इस रीजन के लिए, रजौरी पुंछ के लिए उन्होंने माननीय श्यामलाल शर्मा जी जो एक्स मिनिस्टर हैं इनको इनकी ड्यूटी लगाई थी, ये चेयरमैन हैं इस कमेटी के, और इसमें मैं भी हूँ, चौधरी तालब साहब हैं पुंछ के हैं, दो मैडम शनाज गनाई हैं, सरदार जी हैं, और हमने ये हमारी ड्यूटी लगी थी कि सब लोगों में जाकर उनसे पूछे। देखिए बात यह है कि ये मंशूर था, इसमें हमने आपसे पूछना था कि कौन कौन से मुद्दे हम मंशूर में रखें। रजौरी पुंछ का सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो ST स्टेटस टू पहाड़ी, और ये मुद्दा पिछले 70 साल से यहाँ की पार्टियाँ जो है अपने मंशूर में रखती रही, वो बेवकूफ़ लोगों को बनाती रहीं, और उसके बाद कभी उन्होंने उसकी तरफ देखा नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में
इलेक्शन से पहले ही वोटों की राजनीति ना करते हुए उन्होंने पहाड़ियों को एक जनरल डिमांड जो थी वो पूरी की और आज राजौरी पूंछ के सब पहाड़ी समुदाय के लोगों को पहाड़ी कबीले को एसटी स्टेटस दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि यहाँ इसी धरती मेंढर की धरती से बड़ी बड़ी आवाज़ें आती थी कि हम एहसान का बदला एहसान से देंगे, जो पार्टी ये हमारा मुद्दा करेगी उसको हम उसका जवाब देंगे और एहसान का बदला एहसान में और वोटों की जरूरत में। तो अब वक्त आ गया है, अगले 20 दिन 25 दिन के बाद मुझे लगता है कि यहाँ वोटिंग होगी और उसमें एहसान का बदला किस सूरत में आपने देना है, क्योंकि पहाड़ी इस रीजन में सबसे ज़्यादा जज्बाती और इस काज के साथ जुड़े हुए लोग जो है वो मेंढर के, क्योंकि शुरू से लेकर आज तक मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा जज्बाती तौर पर जो जो लोग जुड़े हुए थे इस काज के साथ वो मेंढर के लोग थे। तो आज वक्त आ गया है मेंढर के लोगों को सर क्या पहाड़ी भी एहसान का बदला एहसान देना। क्या आपकी पार्टी ने एसटी स्टेटस दिया है पहाड़ी कम्युनिटी को, क्या पहाड़ी भी इलेक्शन पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कॉन्टेस्ट कर पाएंगे? जो जो सीटें रिजर्व हैं वो एसटी के लिए है, पहाड़ी अब एसटी के जुमरे में है, जो भी एसटी होगा वो इलेक्शन। वेरी गुड सर, अगर एसटी पहाड़ियों को भी मिलता है तो 20% होता है, तो ये तो 10% वो बात की बात है, क्योंकि हमारा अभी इनॉग्रेशन में नहीं, वो जब नेक्स्ट जो सेंसस होगी डिलिमिटेशन नेक्स्ट डिलिमिटेशन होगी उसमें वो जो है हमारा उस लेवल पर भी चला जाएगा, लेकिन इस वक्त क्योंकि डिलिमिटेशन नहीं है तो हम चूँकि हम सारे एसटी हैं, जो भी एसटी होगा वो लड़ेगा।